नमस्कार, बी न्यूज़ का फेसबुक लाइव आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। जैसा कि आज छठा नवरात्रे है और माँ कात्यायनी की आज पूजा की जाती है, इस वक्त मैं मौजूद हूं न्यू कॉलोनी मोड़ पर स्थित सुदर्शन माता मंदिर में, जहां पर भक्तों की भीड़ भी है। हालांकि कोरोना काल भी है, लेकिन उसके बावजूद भी नवरात्र का ये त्यौहार चल रहा है। माता रानी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हम आपको माता रानी के दर्शन करवाएंगे। आज यहां से आप देखिए कि बेहद ही सुंदर तरीके से मंदिर को सजाया गया है और साज सजा देखिए। ये प्रवेश द्वार है जहाँ पर पहले बजरंग बली के दर्शन किए जाते हैं, उसके बाद माता रानी के दर्शन किए जाते हैं। और कहते हैं कि यहाँ का जो इतिहास है वो अपने आप में मनमोहक है। पंडित जी से भी हम जानेंगे कि आखिर क्या कुछ यहाँ का इतिहास रहा है और नवरात्रे के वक्त में जो भक्तों की भीड़ होती है वो अपने आप में हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है। आप नवरात्रे का छठा नवरात्रे है, यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने आए हैं, कैसा महसूस आप कर रहे हैं? बहुत अच्छी शांति मिलती है माता रानी के दर्शन के बाद। मैं यहीं से पीछे जखमपुरा से आए हैं। यहाँ पर कहते हैं कि माता रानी के मंदिर में जो भी सच्चे मन से आता है उसकी मुरादें पूरी होती है। बिल्कुल होती है। मैं बचपन से यहाँ आती हूँ और रेगुलर आती हूँ नवरात्रों में। कोरोना काल भी चल रहा है, कैसे प्रिकॉशन वगैरह? बिल्कुल प्रिकॉशंस हैं, मतलब डिस्टेंस बना के रखते हैं, मास्क वगैरह लगा के रखते हैं और पूरा प्रॉपर। तो सुना कि मास्क वगैरह बेहद ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि कोरोना के जो मामले हैं वो जिस तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं उसी तेज़ी के साथ सावधानी रखने की भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मैं और लोगों से भी जानने की कोशिश करूँगी, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे भक्तों की भीड़ में मंदिर में लग रही है। मैं आपसे जानूंगी कि आज नवरात्रि जैसे चल रहे हैं, 9 दिन के नवरात्रे, आज छठा नवरात्रे है, आज माता रानी के दर्शन करने आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं तो डेली आता हूँ यहाँ पर, आज छुट्टी है तब लेट आयो, नहीं तो मैं हम तो 6 o'clock तक आ जाते हैं जी। तो अच्छा महसूस करते हैं। हमने भी काल भी चल रहा हाँ, है मैं तो हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, तो मैंने फास्ट रखे हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं यही सुभाष नगर में रहता हूँ मैं तो, और डेली वैसे मंदिर हम आते हैं, डेली आता हूँ मैं तो मंदिर। कितना डिफरेंस आप देख रहे हैं और साल के नवरात्र में? और डिफरेंस तो बहुत है, पिछले साल तो लॉकडाउन था इस समय, और इस समय भी एक तरह से लॉकडाउन की तरह ही है, लोग कम ही आ रहे हैं। आरती में भी सुबह बंदे कम ही होते, नहीं तो भरा रहता मंदिर डेली, लेकिन बहुत फर्क है, रोड पे भी काफी फर्क दिख रहा है। एक बच्चे भी आए हैं, देखिए हाँ। उनसे भी मैं बात करूंगी। बेटा, आप माता रानी के दर्शन करने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? जैसे कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस नवरात्र में तो फर्स्ट टाइम आए हैं हम। फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए? हाँ जी। कहाँ पे, कहाँ से आए हैं? जहाँ से ये आए हैं। अच्छा अच्छा। तो सुनिए कि जैसे कि कोरोना काल भी है और भक्तों का यही कहना है कि हम सावधानी भी बरत रहे हैं, सावधानी के अनुसार ही हम माता रानी के दर्शन करने के लिए मंदिर में यहाँ पर पहुँचे हैं। और देखिए कि अब आपको माता रानी के दर्शन भी करवाएंगे, जो कहते हैं कि यहाँ का जो इतिहास है और जहाँ पर ये जो ज़मीन थी, ये फिल्म के लिए ज़मीन बनाई गई थी, सिनेमा यहाँ पर बनना था, हॉल बनना था, लेकिन देखिए कि माता रानी के जो साक्षात यहाँ पर दर्शन हुए थे उसके बाद से ही भक्तों का तांता यहाँ पर लगा रहता है। देश प्रदेश से यहाँ पर भक्त पहुँचते हैं और दूर दराज से यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। आज कहते हैं कि छठा नवरात्रे है, माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है और माँ दुर्गा का जो स्वरूप है कात्यायनी माता, 4 भुजाएं होती हैं और शेर पे सवार होके उनका उग्र रूप होता है माता का। और आज के दिन कहते हैं कि माता रानी को प्रसन्न किया जाता है, कोई भी कोर कसर नहीं रहनी चाहिए। देखिए कि भक्तों की भीड़ भी लगातार बढ़ती जा रही है और यहाँ पर मैं कुछ और दर्शकों से, कुछ और भक्तों से बात करने की कोशिश करूँगी। आज आप माता रानी के दर्शन के लिए आई हैं, क्या कहेंगे, कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और हम रोज ही आते हैं तो माता रानी के दर्शन करना तो वैसे ही बहुत अच्छी बात है। नवरात्रों के अंदर ये मैया की कृपा है जो हम यहाँ तक आ पाए हैं, पर कोरोना की वजह से कई बार लगता भी था डर कि जाएं ना जाएं, पर माता रानी की मर्जी की आराम से आ रहे हैं और जा रहे हैं, बस ऐसी कृपा बनाए रखें। सावधानी कैसे बरतें? बिल्कुल सावधानी जी, अपने मास्क को हम चेहरे पर से उतारते नहीं है, दूसरी चीज़ों को छूते नहीं है जल्दी से, ताकि भाई, और अपने गैप में आराम से दूर दूर रहकर ही दर्शन। कितना डिफरेंस, कितना अंतर आप देख रहे हैं कि और साल जैसे नवरात्रे होता था, धूम रहती थी, लोगों की भीड़ रहती थी, इस बार वो तस्वीर नजर नहीं आ रही? नहीं नहीं, वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो कुछ भी, पहले वाली भीड़ कहाँ है जो लंबी लंबी लाइनें बाहर मंदिर के दर्शन तक ले जाती थी, वो कुछ भी नहीं है। पर आप
माता रानी जिस पर कृपा करती है वो दर्शन करने आ भी रहे हैं और उनकी कृपा से सब ठीक भी है। बिल्कुल, माता रानी की जिन पर कृपा होती है और वो भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ भी रहे हैं। और कहते हैं कि देखिए कि जैसे कि कई भक्तों का ये भी कहना है कि मन नहीं मानता है तो माता रानी के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच जाते हैं। हालांकि कोरोना काल भी है, ये वही मंदिर है जहाँ पर हर साल लंबी लंबी कतारें रहती थी। यहाँ पर स्थान नहीं बसता था, जगह नहीं बसती थी पैर रखने की। लेकिन आज देखिए कि परिस्थितियाँ कितनी ज़्यादा विकट हैं। मैं आपसे जानूंगी कि नवरात्रि चल रहा है और माता रानी के दर्शन के लिए आप यहाँ आई हैं, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? कोरोना की वजह से बहुत परेशानी हो रही है, कोई आ नहीं रहे हैं डर से, यही है और क्या होगा। आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं शिव मूर्ति से आए हैं। हर साल आते हैं माता रानी के दर्शन? हर साल आते हैं। तो हर साल यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन आप देखिए कि अब जैसे जैसे भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और हर साल की तरह वो तस्वीर इस बार नज़र नहीं आ रही है। हम पंडित जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि जैसे आज छठा नवरात्र है, माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है और अपने आप में माता का जो 9 रूप होते हैं, पंडित जी जैसे कि मैं जानूंगी, हम पहले भी आए हैं माता रानी के दर्शन के लिए, आज क्या कुछ खास है? आज छठी नवरात्रा है, माँ कात्यायनी की पूजा है। खास करके माँ कात्यायनी लड़के लड़की की शादी में जो विघ्न आता है उनके लिए स्पेशली जानी जाती है और इनकी पूजा करने से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जिसको शादी विवाह में विलंब आता है उनको मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए छठी माता कात्यायनी माता की पूजा की जाती है। पूजा का समय क्या क्या रखा गया है? पूजा तो हम लोग सुबह करते हैं 5 बजे और 5:30 से आरती होती है। उसके बाद 1 घंटा आरती का टाइम है, 6:30 के बाद भक्त आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन भक्त तो अब की बार खा गया कोरोना देवता ने, भक्त को सबको घर में बंधन बना के रख दिया है कोरोना देव ने। भक्त तो आने का देख ही रहे हैं आप, हमने पूरी लाइन की व्यवस्था की हुई है यहाँ पर। आपको पिछले इतिहास में जाएंगे तो 1-1 किलोमीटर की लाइन लगी होती थी, जो यहाँ कुछ भी नहीं है, भक्त आते नहीं है, सब कोरोना का पालन कर रहे हैं और यहाँ भक्त नहीं आ रहे हैं। कोरोना को लेकर क्या क्या सावधानी मंदिर में रखी गई है? कोरोना के लिए सबको यही सूचित किया जाता है कि आप बिना मास्क लगाए ना आए, सैनिटाइज करते हैं 2 बार दिन में पूरे में, और दूरी बनाने के लिए सबको बार बार अनाउंस किया जाता है कि सभी भक्त दूरी बना के रखें, बिना मास्क का कोई प्रवेश नहीं है। जगह जगह बोर्ड भी लगा हुआ है, गेट पे देखेगा बोर्ड लगा हुआ है कि बिना मास्क मंदिर में प्रवेश ना करें, उचित दूरी बना के रखें। यही सब जो है कोरोना का व्यवस्था है। जैसे कि यहाँ का इतिहास भी कहता है कि यहाँ पर माँ की जो पिंडियाँ हैं, साक्षात माँ वैष्णो देवी ने दर्शन भी दिए हैं। और जैसे कि हमारे जो तमाम व्यूवर हैं वी न्यूज़ के देख रहे हैं, मैं चाहूँगी पंडित जी कि आप इतिहास के बारे में कुछ बताएं और माता रानी की जो पिंडियाँ हैं उनके भी दर्शन करें। इतिहास इस मंदिर का यह है कि इस जमीन को लाला जनकराज जी, जो जिनका ये फोटो लगा हुआ है, इन्होंने जमीन खरीदे थे सिनेमा हॉल खोलने के लिए। और सिनेमा हॉल खोलने के लिए ज़मीन खरीदे तो यहाँ पर ना लेबर लेके आए काम करवाने के लिए। तो यहाँ एक बुढ़िया माता जी आती थी, एक बेल का पेड़ था जिसके पास वो प्रतिदिन दीपक जलाती थी। तो उनको बताया गया कि माता जी अब हम यहाँ अपना काम करेंगे, आप जो है अब घर पे पूजा कीजिए। तो माता जी बोली नहीं, यहाँ आप काम नहीं कर सकते हो, यहाँ प्रतिदिन माता रानी आती है। उन्होंने शेर के पंजे का छाप दिखलाया कि देखो यहाँ प्रतिदिन माता रानी आती है। तो इन्होंने उनको कुछ ऐसा जवाब नहीं दिया, बोला हाँ ठीक है आपकी आस्था है माता रानी आती है, लेकिन हमने तो खरीदे हैं अपना बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए पैसा लगाए हैं, तो हम तो काम यहाँ करेंगे। उन्होंने भी मान गए, बोली ठीक है आप करो अपना काम। जब इन्होंने मजदूर लगाया काम करने के लिए, तो अभी नीचे गुफा में आपको मिलेंगे हमारे माता रानी की पिंडियाँ हैं, वो खुदाई में माता रानी की पिंडियाँ मिली और इनको जो है माता रानी ने दर्शन दी स्वप्न के माध्यम से कि यहाँ आप सिनेमा हॉल मत खोलो, हमारी मंदिर बना दो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, मंदिर से आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं होगी, आप हमारी मंदिर यहाँ बनवा दो। तब उन्होंने जो है यहाँ पर मंदिर ही बनवाया।
देखिए कि अपने आप में मनमोहक ये रहस्य है जो अक्सर हम किताबों में कहानियों में पढ़ते हैं कि जो हम किताबें जो कथा भी होती हैं कहीं ना कहीं देखिए कि ये तो हकीकत यहाँ पर हुआ है। 50 साल पहले जो यहाँ पर सिनेमा हॉल बना था लेकिन अब देखिए कि माता रानी का जो मंदिर बना था और देखिए साक्षात यहाँ पर पिंडियाँ भी हैं। हम नीचे जाके आपको पिंडियाँ भी दिखाएंगे लेकिन अब धीरे धीरे जैसे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और धीरे धीरे लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, माता रानी के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि एहतियात भी बढ़ता जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग माता रानी के दर्शन कर रहे हैं और चेहरे पे सभी के मास्क है। हालांकि कोरोना काल का जो वक्त है, एक साल से ज्यादा का वक्त हो गया है कोरोना को, लेकिन उसके बावजूद भी जो तमाम त्यौहार हिंदुस्तान में प्रचलित हैं और हिंदुस्तान जाना भी त्यौहारों के नाम से जाता है। कहते हैं कि यहाँ के हर त्यौहार की जो खासियत होती है उसको देखने के लिए, उसकी एक प्रदर्शनी देखने के लिए विदेशों से तक यहाँ पर हिंदुस्तान में लोग आते हैं। और कहा भी जाता है कि जो यहाँ पर प्राचीन मंदिर हैं उनकी हर एक कहानी है जिसके लिए भक्त दूर दूर से उन कहानियों को सुनने के लिए, साक्षात भगवान के दर्शन के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं। आज जैसा कि ये गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी में स्थित है सुदर्शनी माता मंदिर, और कहते भी हैं जैसे पंडित जी ने भी यहाँ का इतिहास बताया और इतिहास भी गवाह है कि यहाँ पर साक्षात माँ वैष्णो ने अपने दर्शन दिए हैं। हालांकि मैं आपसे भी जानूंगी कि जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं आप उनको श्रद्धा पूर्वक, जितने भी भक्त आते हैं अपनी इच्छा लेकर क्या कहेंगे? नवरात्रि का वक्त भी चल रहा है, आशीर्वाद की कामना करेंगे साहब। जय माता दी। कोरोना काल चल रहा है पंडित जी? कोरोना तो यहाँ नहीं साहब, कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहर है कोरोना, यहाँ तो नहीं मंदिर में। सुनिए कि हालांकि एहतियात बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कई लोग हैं कि नवरात्र के वक्त में भी, नवरात्रों में जैसे कि यहाँ पर मंदिर में पहुँच रहे हैं, और हालांकि हर साल ही यहाँ पर लोगों की भीड़ रहती थी, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते थे और कहते हैं कि माता रानी के दर्शन के बाद परिक्रमा की जाती है और जो भी श्रद्धालु यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुँचता है हर साल ही, कई श्रद्धालुओं का ये भी कहना है कि वो हर साल अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचते थे लेकिन उसके बावजूद भी आज जो परिस्थिति है लोगों को अकेले ही अपने घर से बाहर निकल कर आना पड़ रहा है। और हम धीरे धीरे नीचे जाएंगे और आपको साक्षात जो वैष्णो की पिंडी है, जो वैष्णो माता ने यहाँ पर दर्शन दिए हैं वो भी, उनकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, साक्षात वी न्यूज़ आपको दर्शन करवाएंगे। और देखिए कि ये अपने आप में मनमोहक है और ये इतिहास गवाह है जो 50 साल पहले यहाँ पर माता रानी ने जब खुदाई हुई थी, जैसे कि पंडित जी ने कहा कि खुदाई के वक्त माता की पिंडियाँ आई थी और जहाँ पर सिनेमा हॉल बना था ये सिनेमा हॉल की ज़मीन थी, लेकिन देखिए कि आज यहाँ पर माता रानी का मंदिर है, माता रानी का मंदिर है और दूर दूर से इन पिंडियों को देखने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। और कहते हैं कि जो भी भक्ति भाव से, सच्चे मन से माता रानी के दर्शन के लिए और अपनी मुरादें मांग कर अपने घर से निकलते हैं, माता रानी साक्षात उनको अपने दर्शन देती है। और ये सुनहरा अवसर भी है आज, और छठा नवरात्रे भी है और नवरात्रों में कहते हैं कि हर साल ही यहाँ पर भक्तों की भीड़ रहती है लेकिन आज परिस्थितियाँ कुछ और है क्योंकि कोरोना के जो मामले हैं जिस तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं उसी तेज़ी के साथ ही लोगों में डर भी है, लोगों में भय भी है। लेकिन देखिए यही पिंडियाँ हैं माता रानी की और कहते हैं कि साक्षात माँ वैष्णो देवी ने अपने यहाँ पर दर्शन दिए हैं। इन पिंडियों को देखने के लिए दूर दूर से भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। मैं पंडित जी से जानने की कोशिश भी करूँगी कि आखिर जो यहाँ का इतिहास है पंडित जी, ये जो पिंडियाँ हैं, हाँ यही स्वयंभू यानी यहाँ पर जब काम करने के लिए लेबर लगाया गया तो खुदाई के दरमियान माता रानी की पिंडियाँ यहाँ मिली। नवरात्रि में क्या क्या तैयारियां यहाँ पर की जाती है माता को प्रसन्न करने की? माता को प्रसन्न करने के, तो देखिए जयंती बोया जाता है, इनकी नौ देवियों के नाम से नौ कलश बैठाया जाता है, इनकी पाठ की जाती है और यज्ञशाला में प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती के पाठ से हवन किया जाता है और प्रसाद की व्यवस्था है। अखंड ज्योत भी यहाँ पर चलती है। अखंड ज्योत, ये नौ देवियों को, तो नौ ज्योत तो नवरात्रे के लिए है, नीचे दिखाई ज्योत जी, ये नौ ज्योत तो नवरात्रे भर है, बाकी पांच ज्योत जो है प्रत्येक दिन यानी सालों भर 24 घंटे अखंड ज्योत, पांच ज्योत यहाँ जलाए जाते हैं। पंडित जी मैं ये भी जानना चाहूंगी जैसे नवरात्र के वक्त यहाँ पर क्या तस्वीरें रहती थी हर साल, इस बार जो नजर नहीं आ रही है?
हाँ, नवरात्रि में यहाँ पर बहुत ही भीड़ होती थी और भक्त बहुत आते थे, क्योंकि यहाँ से भक्तों की मनोकामनाएं बहुत पूर्ण होती है, इसलिए बहुत से भक्त आते थे। लेकिन अभी जो कोरोना काल है, कोरोना काल की वजह से भक्त के आने में बहुत ही कमी है। बहुत क्या बताऊँ आपको, 90-95% भक्त कमी है, 95 भी आप 99 भी कह सकती हैं, 1% भक्त का ही आना जाना है, बाकी जो है भक्त नहीं आ रहे हैं, जिसका कारण कोरोना काल है। कोरोना काल है, कोरोना में हम जैसे कि देख भी रहे हैं कि कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं, लेकिन तस्वीरें कहीं ना कहीं जो हर साल भक्तों की भीड़ मंदिर में रहती थी, और जैसे कि हम जब कुछ दिन पहले यहाँ पर आए थे तो जौ बोई गई थी वो उतनी अंकुरित नहीं हुई थी, लेकिन आज देखिए कि माता रानी के लिए जो नवरात्रे में जौ बोई जाती है, आज हरियाली जो प्रतीक भी है और जैसा कि मान्यता भी है कि यहाँ पर ये क्या किया जा रहा है, ये अभी जल सींचा जा रहा है कि जौ में जल देना चाहिए ना, इसमें जल से सिंचित कर रहे हैं कि प्रत्येक दिन 2-3 बार जल से सिंचित करते हैं इनको। बिल्कुल, कहते हैं कि भगवान शिव की भी, हाँ, भगवान शिव की एक प्रतिमा मिली थी यहीं पे, जो देखने में भगवान शिव की ये प्रतिमा है, ये भी साक्षात यहाँ पर उत्पन्न हुई थी और इसको देखने के लिए भी कहते हैं इनका आकार जो है शिव जी की वाहन जो है नंदी, वो नंदी के आकार है और ये नंदी बावे पे सब पूरे शिव परिवार विराजमान है इसके ऊपर। ये यहीं पर ही, यहीं से, हाँ, इनके साथ, इनसे मतलब इनसे 2 फीट की दूरी पे मिले थे, यहीं ये जहाँ जहाँ पिंडी स्थापित है यहीं से मिले थे और यहीं पर इनको स्थापित किया गया है, इनका जगह का बदलाव नहीं किया गया, जहाँ मिली वहीं पर स्थापित किया गया। सुना आपने, और भक्त क्या क्या चढ़ावा माता रानी को चढ़ाते हैं जिससे कि माता रानी प्रसन्न? हाँ, अभी नवरात्रे में तो कोई अन्न का प्रसाद नहीं आता है, जैसे रामदाने की लड्डू है, पेठा है, लौकी की बर्फी है, ड्राई फ्रूट है, नारियल है, फल है, केला, आम, सेब, अंगूर, यही सब माता रानी को प्रसाद चढ़ाया जाता है। नारियल, विशेष करके नारियल का बहुत बहुत महत्व है, हर भक्त एक एक नारियल लेकर के आते हैं, यहाँ माता रानी को अर्पण करते हैं, नारियल, फल फूल लेके आते हैं, मिठाई लेके। जी, मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप कुछ मंत्रों का उच्चारण बताइए। दर्शक यहाँ आते थे, दर्शकों को हम उनके ज़रूरत के मुताबिक आशीर्वाद हम बोलते रहते हैं जी। और एक हमारा अपना धुन है आशीर्वाद बोलने का, जो आशीर्वाद हम बोलते ही रहते हैं और किस भगत को कौन सा आशीर्वाद मिल जाए वो माता रानी की ही कृपा होती है और भक्तों को जो है आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम, सबसे पहला मंत्र हम लोग बोलते हैं विश्व कल्याण के लिए। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतो खिलस्य, प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। और वो जो है ना पूरे आधार बोलते हैं, आधार का मतलब होता है जड़, जिसको हम जमीन बोलते हैं, आधार भूता जगतस्त्वमेका, महीश्वरूपेण यतः स्थिताशि, आपान स्वरूपा स्थित्या त्वयै तदाप्यायते कृतष्णमलंघ्य बीर्जे, त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत बीर्जा, विश्वस्य बीजं परमाशि माया, सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्, त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु, त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। यानी आप प्रसन्न होइए और सबको मुक्ति का कल्याण मार्ग प्रशस्त करें, ये माता रानी से प्रार्थना करते हैं। और कई मंत्र होता है जो लोगों को जरूरत के मुताबिक से हम, अगर किसी को कोई परेशानी है, ऊपरी बाधा है, तो उसके लिए हम मंत्र बोलते हैं, माता रानी का मंत्र प्रभावकारी होता है। सर्वा बाधा प्रश्मनम त्रैलोक्यश्चाखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैरिविनाशिनीम। और एक तो सांसारिक मंत्र है जो हर लोग जानते हैं,
ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। खास करके महिला वर्ग को ज़्यादा सा आशीर्वाद चाहिए, उनको पति के साथ सुखमय जीवन बीते, उनके लिए महिलाओं को आशीर्वाद देते हैं। देहि में सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि जसो देहि दिशो जहि। किसी को किसी तरीका से कोई आदमी परेशान कर रहा है या किसी कोई भी परेशान एक तरफ से कि हमें शत्रु नुकसान पहुंचा रहा है, वैसे अर्गला स्तोत्र में आता है। अचिंत्य रूप चरिते सर्व शत्रु विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि जसो देहि दिशो जहि। सबको सुखमय जीवन के हमेशा मंगल कामना प्राप्त करने के लिए बोलते हैं। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कोई आते हैं इस भाव से कि हम माता के शरण में जा रहे हैं, माता के शरण में जाने से मुझे क्या मिलेगा, तो माता जी के शरण में आने से उसका स्तुति है। शरणागत दीनार्थ, मैंने आपके शरण में शरणागत होकर आया हूँ। शरणागत दीनार्थ, मैं दीनहीन हूँ। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, जो आपने मंत्रों का उच्चारण किया। और सुनिए कि जिस तरीके से आपने सुना हो भी होगा, पंडित जी ने जो कहा कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में कोई भी बाधा होती है और इन मंत्रों का जो पंडित जी ने बताया उच्चारण करने से उनकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। मैं आपको माता रानी के चरण पादुका के भी दर्शन करवाऊंगी, जिसको स्पर्श करने के लिए श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। ये माता रानी के चरण पादुका हैं और कहते भी हैं कि यहां पर श्रद्धालु अपना माथा टेकते हैं माता रानी के चरणों में और उनकी जो भी इच्छाएँ होती हैं, जो भी दुविधाएँ होती हैं, ये पूर्ण हो जाती हैं। ये शिला दर्शन है, नाग शिला दर्शन। जैसे कि आपने अंदर भी देखा था कि भगवान शिव के संपूर्ण पूरे परिवार के साथ जब माता रानी की पिंडियां उत्पन्न हुई थी, तो उन्हीं पिंडियों के साथ ही भगवान शिव के पूरे परिवार के दर्शन के रूप में भी एक शिला उत्पन्न हुई थी। और ये देखिए कि यहाँ पर ये जो आप बहुत ही खूबसूरत रूप से ये शिला देख रहे हैं, इसके दर्शन के लिए यहाँ पर भक्त पहुँचते हैं और कहते हैं कि जो भी बाधाएं हैं उनके जीवन में होती हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। हालांकि माता रानी के दर्शन के बाद कहते भी हैं कि मंदिर की परिक्रमा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है और अपने आप में मंदिर की परिक्रमा इस तरीके से की जाती है। आप देखिए यहाँ पर ये जो मुख्य द्वार है, फिर इसके बाद यहाँ पर लोग प्रस्थान करते हैं परिक्रमा करने के बाद, माता रानी के दर्शन करने के बाद, और चरण पादुका को नतमस्तक वहां पर करते हैं चरण पादुका में, और उसके बाद ये मुख्य द्वार से बाहर जाते हैं। यहां पर पीपल का पेड़ भी आप देख रहे हैं, जैसे कि देखिए कि भक्त दूर दूर से यहां माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। और क्या कहेंगे बाबू जी? अरे हम सभी भक्त लोग जो है माँ की सेवा कर रहे हैं और हम कानपुर से आगे रायबरेली के डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से हम लोग आए हैं, पांच छह लोग हैं भक्त जी। और यही हम कहते हैं कि माँ की सेवा बहुत ज़रूरी है जी। इसी से सबका बेड़ा पार होता है जी। और यही हमारा कहना है और तो क्या कहें, और तो सब ठीक ही है, चल रहा है। लेकिन बाबा जी जिस तरीके से कोरोना काल है, कोरोना देखिए आपने खुद ही मास्क लगाया हुआ है, हाँ जी, भीड़ बहुत कम है श्रद्धालु की। हाँ भीड़ तो बहुत कम है। अब हमको 23 तारीख को जाना है सर, हम अपने घर जाना है, लेकिन सब गाड़ी भरी आ रही। 23 तारीख को बाबू जी ने कहा अभी करा लो, नहीं तो यहीं पड़े रहोगे। सुनिए कि ये विडम्बना है, ये परिस्थितियां हैं जहां पर बाबा का ये कहना है कि 23 तारीख को उनको अपने घर जाना है। हालांकि माता रानी के दर्शन करने के लिए एक तमाम भक्त कानपुर से यहां पर पहुंचे हैं सुदर्शन माता के दर्शन करने के लिए, आपने खुद ही सुना। और जैसे कि ये माता रानी की पिंडियां हमने आपको दिखाई, ये साक्षात माता रानी के दर्शन आपको करवाए हैं। जितने भी वी न्यूज़ के दर्शक हैं, और कोशिश भी है कि आप लोग
माता रानी के दर्शन हर सुबह ही करते हैं, जहाँ पर हर अलग अलग मंदिर से आपको वी न्यूज़ सबसे पहले दर्शन करवाता है। अपने आप में ये मनमोहक है। और जैसे कि आपने तमाम भक्तों की चीज़ें भी सुनी है कि जी क्या कहेंगे, और हम ये जल प्रसाद जो है माँ को हजारों भक्तों को हम पिलाते हैं, और यही मेरी सेवा है, यही मेरी यहाँ सब जो है। और अपने परिवार के साथ आप आए? नहीं, केवल हम आए, केवल आप परिवार तो वही है सब, वही है। हाँ, आप हर साल आते हैं? ये कि लड़का हमारा है जी, आप हर साल आते हैं? हम 12-13 साल से आ रहे हैं जी। हम खाली इनकी सेवा कर रहे हैं, माता रानी। हाँ, दो बच्चे हैं भोपाल में हैं, एक तो है कि लड़की प्रोफेसर है और दो बच्चे इंजीनियर हैं जी। तो बिल्कुल अपना घर वहाँ फिट किए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कि 12 साल से यहाँ पर बाबा जी आ रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। हालांकि हर साल अपने परिवार के साथ आते थे, लेकिन कोरोना काल जिस तेज़ी के साथ बढ़ रहा है उसको देखते हुए उन्हें अकेले ही आना पड़ा है। और कुछ और श्रद्धालु भी हैं जो माता रानी के दर्शन के लिए यहाँ पर सेवा पानी किया जाता है। जितने भी भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं उनको जल प्रदान किया जाता है, जल दिया जाता है। और जैसे कि उन्होंने भी बताया कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर अपने शक्तिभाव से श्रद्धापूर्वक यहाँ पर पहुँचता है, उनकी जो भी मनोकामनाएँ होती हैं, और ख़ास तौर पर नवरात्रि कि जो त्यौहार चल रहा है, आज छठा नवरात्र है, माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। जैसे कि आज आपने माता सुदर्शन के दर्शन किए, जो अपने आप में मनमोहक हैं, और कहते भी हैं कि यहाँ का इतिहास भी बोलता है कि साक्षात माता रानी ने यहाँ पर अपने दर्शन दिए। और देखिए ये पीपल का पेड़ है, माता रानी के दर्शन के बाद यहाँ पर जो डोर है यहाँ पर बांधी जाती है, और अपनी जो भी मनोकामना है उसको लेकर इस डोर को बांधा जाता है। यहाँ पर दिए भी जलाए जाते हैं, लेकिन देखिए कि आज परिस्थितियां ये भी है कि कोरोना काल जिस तेज़ी के साथ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए जो श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में अक्सर देखने को मिलती थी वो नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे, और कोशिश भी है कि आप लोग सभी अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, और माता रानी की कृपा आप तक बनी रहे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वी न्यूज़।